देखिए, पहली बात तो ये सिद्धू साहब का पर्सनल टूर था, पर्सनल दौरा था। वो अपने दोस्त की जो शपथ ग्रहण सेरेमनी थी उसको अटेंड करने गए थे, वो ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नंबर दो, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर केक काटे जाते हैं जब प्रधानमंत्री द्वारा बिना बताए वो जहाज़ उनका लैंड करता है, वहाँ वो उनको गले मिल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जब ओथ ली थी, जब उनका शपथ ग्रहण था, तो वहाँ नवाज शरीफ बुलाए जाते हैं, वहाँ गले मिल रहे हैं। तो ये शहीदों की कुर्बानियाँ जो हैं वो बहुत बेमिसाल हैं, लेकिन उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। 550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस आ रहा है, वो करतारपुर जो है कॉरिडोर खोलने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है दोनों पंजाबों ने, तो पहले 47 में हमारा विभाजन हुआ और लाखों लोगों की जाने गई, अब भी चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि दरवाजे शांति के लिए खुले रखने चाहिए, और मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं उसमें। हाँ, बातचीत के जरिए हल होना चाहिए, उसके लिए और भी मंच हैं, यूएनओ में जाओ, सार्क में जाओ, बैठ के बात करो। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ आए थे तब भी यहाँ आगरा में जब उनसे बातचीत हुई, तब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मिल रहे थे, तो जब वो बस लेके गए थे वाघा बॉर्डर से, तो भी उनका स्वागत था। तो लोग शांति चाहते हैं, तो पब्लिक सेंटिमेंट यही कहते हैं कि हम शांति से रहें। हम बेरोज़गारी हमारी समस्या है दोनों देशों की, महंगाई समस्या है, करप्शन समस्या है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों देशों का लगभग 70% बजट है वो सिर्फ सरहदों और डिफेंस पर खर्च हो रहा है। इस बात से ये लगता है कि हम अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देने की बजाय राजनीतिक बातें जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरे ख्याल में दोनों देश के लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं।